अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे और खैर से होंगे। सो आज आपके लिए लेके आए हैं मोटिवेशनल वीडियो, आपको मोटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, कोई भी फिलहाल हम कोई चीज़ यूज नहीं करके दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी ना न्यू है स्टार्ट है। आप कह रहे हैं यार क्या ये बेसिक कर रहे हैं, बेसिक पसंद कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, कुछ ऐसे भाई भी हैं हमारे जिनको ना बेसिक्स नहीं पता, उनके लिए ये करना लाजमी है। ठीक है, आपकी नॉलेज में बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। ठीक है ना, वो भाई क्या करेंगे बेसिक क्लियर नहीं हो, सो इसलिए ना तो बेसिक में भी जाना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपके सामने वर्ड्स पड़े हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज और डिफरेंट थिकनेस मोटी बड़े नज़र आ रहे होंगे आपको, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं इस मोटर से जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, के नीचे दो टर्मिनल नजर आ रहे होंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको ऑपरेट करा के दिखाएंगे कि चलती कैसे है। इसे कहते हैं डीसी मोटर। क्या कहते हैं? डीसी मोटर से कहते हैं। ये डीसी मोटर है सिंपल, हम बचपन में अक्सर खिलौने तोड़ दिया करते थे इसी मोटर की वजह से। यहाँ पे सेल लगाते थे या कोई भी बैटरी लगाते थे, ऊपर पंखा लगा के चलाया करते थे। तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन इसका नाम आपको शायद ना पता होगा। इसको कहते थे डीसी मोटर, जस्ट डीसी मोटर। ठीक है ना, इसी तरह ये भी डीसी मोटर है, लेकिन साइज आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, इतना बड़ा साइज। अच्छा, इसके लिए देखिए दो टर्मिनल। इस तरह ये भी डीसी मोटर है, ठीक है। बाकी आप साइज पर ना जाए, साइज से परेशान ना, मैं आपको बताऊंगा कि साइज क्यों डिफरेंट होता है, ठीक है ना, इसीलिए ना परेशान नहीं होना। ये आपको दिख रहा होगा कि डीसी मोटर है, आपने सही पहचाना, लेकिन इसकी जो टाइप है ना, जो इसकी नसल है ना, वो डिफरेंट है। ये डीसी तो है लेकिन ये स्टेपर मोटर है साहब, ठीक है ना। ये अक्सर सीडी रोम, डीवीडी रोम में लगी आपको नजर आती है, ठीक है ना। ये बहुत 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 ही ना कमाल होते हैं, इनके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इनके स्टेप्स नहीं होते। इस तरह ये आपको देखने को मिल रही है। अब आप बताओगे ये क्या चीज़ है, ये भी मोटर है भाई, बहुत ही ठीक नजर घूम रही है। तो ये भी यही चीज़ है, स्टेपर मोटर, बट जो शेप है, जो उसकी एप्लीकेशन जैसे उसकी थी, उसको वैसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। इस तरह इसकी अगर बात करें, ये बहुत ही छोटी मोटर है, शायद आपको नजर ही ना आए वीडियो में, हाँ तो रही होगी, इतनी छोटी नहीं है। ये भी स्टेपर मोटर है, आप कहेंगे कितनी छोटी है, इसके भी फोर टर्मिनल नज़र आ रही है, हाँ हटा लेता हूँ, देख रहे हैं। ये चार टर्मिनल आप नजर आ रहे हैं, ये इसके सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे तो हम सप्लाई देने से रहे, जिसको मैंने स्टिक भी कन्वर्ट किया एक्सेट्रा, इधर से ये बटन कमांड, वो तो जो भी सेटिंग थी, ठीक है ना, ये मैंने डी डी रोम से सी डी रोम से निकाली है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। ये स्टेपर मोटर है, डी सी स्टेपर मोटर, इसके अंदर मैगनेटर जो कॉइल है बस, ये आपको नजर आ रही है, ये डी सी मोटर ओनली। इतनी छोटी है कि मुझे आपको दिखाने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए टाइम से पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, नजर आ रही होगी आपको, नहीं करता हूँ। ये हमारे पास है सबसे छोटी डीसी मोटर, ठीक है ना, इसको भी ऐसे यहाँ सप्लाई देते हो, ये जस्ट घूमती है, इसके इतना फंक्शन है, बट ये ऐसा नहीं है स्टेपर मोटर का ना, इसको खाली सप्लाई देने से नहीं, इसको कैसे यूज करते हैं ये आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। ये जस्ट सप्लाई से नहीं चलती, इसके पीछे मैकेनिकल लगाया जाता है, ड्राइवर से लगाया जाता है। अब हम आ जाते हैं इन दो मोटर्स पर, जैसी बात आपने ये सारों का इंट्रोडक्शन तो हो गया, ये दोनों आगे चलो ये एक पर कर लेते हैं, बड़ी सबसे बड़ी मोटर, ये भी स्टेपर मोटर है, ये तीनों भी स्टेपर मोटर है। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है, साइज तो डिफरेंट है, मोटर एक है, ये भी सीधी स्टेपर मोटर है, ये भी स्टेपर मोटर है। देखिए यार ये देखो, ये है सीधी रूम से निकली, सीधी या डिली रूम से, ठीक है, ये भी सीधी या डिली रूम के जो वो होते हैं ना, वो सीधी रूम को आगे पीछे करने के लिए उसमें अलग अलग होते हैं। ये लगते हैं प्रिंटर्स में, फोटो कॉपी मशीन में, सीएनसी में, 3D प्रिंटर्स में, ठीक है ना। इसका मॉडल भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसकी 6 वायर है, ठीक है ना, तो चाहे इसमें 4 वायर इस्तेमाल करते हैं, जब फोटो कॉपियर में या किसी प्रिंटर में इस्तेमाल करते हैं, हम 6 वायर ही इस्तेमाल करते हैं, और क्यों करते हैं ऐसा 4, 6, 2, 3, वो आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी रह गई है ये हमारी मोटर है सर्वो मोटर, उम्मीद है कि आप इसका मॉडल भी नजर आ रहा होगा वीडियो में, मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ये
इसके तीन वायर होती हैं, दो सप्लाई के लिए होती हैं, ठीक है ना। इसमें आपको थ्री कलर की वायर नजर आ रही होगी, जो ब्राउन होती है वो ब्लैक होती है, जो रेड होती है वो पांच होती है। लेकिन ये भी ऐसे नहीं चलती कि हमने इसको साल या वोल्टेज दी हुई चलती है, इसमें भी थोड़ा मैकेनिज्म होता है कि कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्किंग और इसको यूज करना सिखाएंगे। अब बात आती है इसे यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए हर चीज की ना अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक मकाम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह हम ये यूज करते हैं, ठीक है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ डिस्प्ले की वीडियो में कि डिस्प्ले जो है ना हम कैसे यूज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें हम मोटर एक्सचेंज नहीं कर सकते इतनी जल्दी, सर्वो मोटर की जगह हम स्टेटर मोटर यूज नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसके पीछे मैकेनिज्म चेंज करेंगे, लेकिन वर्किंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ये डिस्प्ले नहीं है भाई, ये मोटर है। हम डीसी मोटर की जगह सर्वो या स्टेपर मोटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, स्टेपर मोटर की जगह हम सिंपल डीसी मोटर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मुख्तलिफ मकसद के लिए, मुख्तलिफ मशीन के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ वर्किंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब जो ये होती है ना, जहाँ पे एंगल की जरूरत होती है, एंगल मूवमेंट में ये जो मूवमेंट है ना, एंगल नहीं हो तो हम इसको यूज करते हैं। जब हम कहते हैं कि वो हैं स्टेप्स में हो, फिर हम स्टेपर मोटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके तो नाम से ही जाहिर है, स्टेपर मोटर की स्टेप कैलकुलेट करके या स्टेप के मुताबिक ये रोटेट करती है। सो तो ये डीसी मोटर ये जस्ट बस घूमती है, इसको नहीं पता स्टेप्स क्या है, एंगल क्या है, ठीक है ना। हम जस्ट इसको सप्लाई देंगे, ये फौरन से रोटेट करना शुरू कर दे। इसकी डायरेक्शन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इसकी पोलैरिटी चेंज करने से, फॉर एग्जाम्पल इसकी ज्यादा पॉजिटिव लग है और इसकी ये नेगेटिव लग है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये चलेगी क्लॉक वाइज। जैसे हम रिवर्स करेंगे पोलैरिटी करंट की, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह इसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है करेक्शन, इसलिए हम इसमें डिफाइन नहीं कर रहे इस वीडियो में। इसको इसको आगे चल के देखेंगे। ये भी ऐसे लेने की इसके ना वो से देखें, फोर लाइन बन गई है, चार लाइन बन गई है, इसके कनेक्शन है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो होती है ना, ये अक्सर मोबाइल वो जो नोकिया के मोबाइल आया करते थे वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी भी अच्छी बड़ी स्पीड होती है। तो ये भी आपको देखने को मिली, ये अक्सर टेप रिकॉर्डर और पुराने टेप्स आती थी उनमें देखने को मिली मिला करती थी। अब तो खैर वो टेप्स का दौर ही नहीं रहा, अब तो जो भी मोबाइल इंटरनेट और कंप्यूटर वगैरह आ गए हैं, अब देखने के लिए नहीं मिलती। सो आज की वीडियो तो नहीं तक है मोटर के बारे में, मुझे पता है इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी मोटर चला के या अपडेट करा के नहीं दिखाई, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रो देना था कि ये मोटर होती है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हर मोटर का अलग मकसद है, हर मोटर का अलग यूज है, ऐसे नहीं है इस मोटर की जगह फौरन से ये अप्लाई कर दें और काम वही होगा, ऐसा नहीं। ये डिस्प्ले नहीं है सर, इसलिए हम मोटर को चेंज करते जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे सारी कैलकुलेशन, उसके पीछे सारे उसके साइड इफेक्ट, उसके फायदे नुकसान देख के फिर हम चेंज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके जगह हमने ये यूज करनी है ना, तो हम पहले इसका सारा मैच करेंगे कि फंक्शनैलिटी सेम है, अभी सेम है तो चेंज करेंगे, लेकिन वैसे अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। फल अब आपको समझ आ रहा है, अब ये ना सी डी को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, और ये सीडी को आगे पीछे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये मोटर सी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती ना, कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए आज की वीडियो यहीं तक है, ये वीडियो शेयर लाजिम किया कर, हर हाल में शेयर किया कर, ताकि इस वीडियो से इस लेक्चर से आपके जो अजीज व करीब हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, वो भी फायदा पा सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर पर रहें और सेफ रहें।